अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोजो डिजिटल। यार टेरा लूना जो है ना वो एक दफ़ा फिर गेम में आ चुका है, और तकरीबन 2 घंटे पहले बाइनेंस ने ट्वीट किया था कि हम दोबारा से टेरा लूना को बाइनेंस के ऊपर रिज्यूम करने लगे हैं, दोबारा से लिस्ट करने लगे हैं, और फाइनली बाइनेंस वालों ने इसे दोबारा से लिस्ट कर दिया है बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन इसके गेम में वापस आने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये दोबारा से रिकवर करेगा या ऊपर जाएगा $1 के ऊपर या 10 सेंट के ऊपर आएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इसकी जो टोटल सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, 6.9 ट्रिलियन तक इसकी टोटल सप्लाई पहुंच चुकी है। मतलब कि इतने ज्यादा टेरा लूना कॉइन मिंट हो चुके हैं कि आप $1 में 25,000 टेरा लूना कॉइन इस वक्त बाय कर सकते हैं, और तकरीबन $45 में 1 मिलियन टेरा लूना कॉइन आप इस वक्त बाय कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आपको मजीद भी क्रिप्टो के बारे में और जो डिजिटल ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उनके बारे में वीडियोस देखने को मिलती रहें। मतलब कि पिछले 24 घंटों में लोगों ने इतनी कम प्राइस में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में टेरा लूना कॉइन बाय करके रखे हुए हैं, और जब इतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाए तो इसका $1 तक आने का चांस तो बड़ी दूर की बात है, ये 10 सेंट के ऊपर भी नहीं आ सकता। और इसके $1 के ऊपर आने का मतलब ये है कि इसके ऊपर $6 ट्रिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर ये $1 के ऊपर आएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इसका 10 सेंट के ऊपर आना भी पॉसिबल नहीं है फिलहाल, क्योंकि इतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाए तो फिर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि इस वक्त आप बिटकॉइन की अगर टोटल सप्लाई देखें तो 21 मिलियन उसकी टोटल सप्लाई है, और इस वक्त जो टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन है उनकी जो टोटल वैल्यू है वो 1.03 ट्रिलियन है। अब ये बिटकॉइन से बड़ा तो कोई नहीं ना है लूना, जो इसके ऊपर लोग इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब पॉइंट ये है कि क्या टेरा लूना के दोबारा वापस आने के चांसेस हैं, रिकवर होने के चांसेस हैं गेम में, ये वापस आ सकता है? तो बिल्कुल ये आ सकता है। ये इस तरह से आ सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बर्निंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेरा लूना को सेल किया जाए, इतना सेल किया जाए, इतनी बर्निंग कीजिए कि ये दोबारा बिलियंस में आ जाए। जब ये दोबारा ट्रिलियन से बिलियंस में आएगा तब जो इसकी वैल्यू है वो बढ़ेगी, और फिर इसकी जो वैल्यू है वो कुछ सेंट की हो जाएगी। मतलब कि कुछ ना कुछ जिन लोगों ने बिल्कुल एंड में जो पैसे लगाए हैं उनके पैसे रिकवर हो सकते हैं इस तरह। और ये चीज़ भी इतनी ज़्यादा आसान नहीं है, ये भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि लोग जिन्होंने लिए हुए हैं उन वो यही समझ रहे हैं कि यार अब जितने हमारे पास पड़े हुए हैं इनकी कोई वैल्यू तो है नहीं, इसी तरह पड़े रहने दो, हो सकता है कल को बढ़ जाए, तो वो भी मुश्किल है कि वो सेल करें इस तरह से। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन में इसे मजीद बाय किया जाए, रिकवरी के चांस है, तो बिल्कुल भी ना बाय कीजिएगा, इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसने और नीचे आ जाना है। हाँ, जो आपके पास इस वक्त एक्सचेंज में पड़े हुए हैं मैं ये नहीं कहता कि आप वो भी सेल कर दें, चाहे वो आप रख ही रखें ताकि कल को थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट के चांस हो जाएं, लेकिन मज़ीद इसे बाय ना कीजिएगा। इसकी जगह आप काफ़ी सारे और कॉइन्स हैं उन्हें देख लें जो इस वक्त होड़ चल रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट का ओवरऑल देखा जाए तो सारे कॉइन जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहे हैं, और उनमें आप इन्वेस्ट कर लें इसकी बजाय, क्योंकि इसके अभी हालात का कुछ भी नहीं पता, इसका क्या होता है, क्या फ्यूचर है। इसके बारे में कुछ फेक न्यूज़ भी चल रही हैं इस वक्त कि फलां कंपनी ने इतने मिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट की ऑफ़र की है टेरा ब्लॉकचेन वालों को। इस तरह की किसी न्यूज़ के ऊपर आपने बिलीव नहीं करना, ये सारी फेक न्यूज़ हैं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में जब इतनी ज़्यादा कॉइन की सप्लाई बढ़ चुकी हो तो कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट की ऑफ़र नहीं करती, इसलिए आप इस पर मज़ीद इन्वेस्टमेंट ना करें फिलहाल। बाकी जो कॉइन्स हैं वो देख लें, GMT एक न्यू कॉइन है वो देख लें, ग्रीन मेटावर्स टोकन के नाम से है, मेटावर्स का कॉइन है, बड़ा अच्छा कॉइन है, न्यू है, उसका हो सकता है कल को वो ऊपर जा सके। उसके अलावा ऐप कॉइन न्यू आया है, वो भी NFT का कॉइन है, उसके भी चांसेस हैं, लेकिन इन्हें भी आपने मेरे कहने पे इस तरह बाय नहीं कर लेना। मैं तो अपने हिसाब से मैंने स्टडी किया और उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, आपने अपने तौर पे इसे स्टडी कर लेना फिर इनमें आपने इन्वेस्ट करना है, नहीं तो वही कुछ होगा जो कल हुआ। जैसे कल इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई थी लोगों ने कि यार अभी टेरा लूना के ऊपर इन्वेस्ट कर लो, इतना नीचे गया हुआ है, बाद में मौका नहीं आना, कल को ये बिटकॉइन की तरह ऊपर चला गया तो हम पछताएंगे, और यही सोच के लोगों ने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें कर दी। कुछ लोगों ने अपनी सारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो टेरा लूना के ऊपर लगा दी, और कुछ लोग तो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था उधर, टेरा का जो ऑफिशियल ट्विटर का अकाउंट है उसके नीचे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार मैंने इतने मिलियंस जो है वो उधार लेके लगाए, मैंने इतने मिलियंस अपने फादर से लेके लगाए, और सारे के सारे उनके बर्बाद हो गए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आपको मजीद भी क्रिप्टो के बारे में और जो डिजिटल ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उनके बारे में वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो इसलिए पहले खुद से स्टडी कर लिया करो, स्टडी करके और फिर उसमें इन्वेस्ट किया करो, जज्बाती हो गए इन्वेस्ट करोगे तो फिर यही होगा। खैर वो जो भी हुआ लॉस हम वापस तो नहीं ला सकते, और ये क्रिप्टो की हिस्ट्री में हुआ भी पहली दफ़ा है, और अगर ये हुआ है तो हमारे अच्छे के लिए ही हुआ है कि कल को हम इस तरह की सूरत हाल में सोच समझ के फ़ैसला कर सकें, और इस तरह की सूरत हाल में अगर रिस्क लें भी, इन्वेस्टमेंट करें भी, तो कम अज़ कम इतनी करें कि हम उसका लॉस बेयर भी कर सकें। 100 में से 5% या 10% इस तरह की सिचुएशन में हमें लगाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन पहले कभी नहीं आई, तो हमें नहीं था पता कि इसने कितना नीचे जाना है, तो हमें सोच समझ के चलना चाहिए था कि यार हम इतनी इन्वेस्टमेंट लगाएं कि बिल्कुल ये ज़ीरो पे जाता है तो हमारे पास पीछे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए।
खैर अब आगे देखते हैं कि टेरा लूना का जो फ्यूचर है वो क्या है, दोबारा से रिकवर कर पाता है या नहीं। टेरा लूना वालों ने यह भी अनाउंस किया था कि वो काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है वो न्यू कॉइन ही लॉन्च कर दें कोई और, देखते हैं क्या होता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।